हम सभी को एक ऐसा फोन चाहिए जो बजट में आता हो, 5G रेडी हो एंड PUBG को भी बहुत आराम से हैंडल कर पाए, और सबसे बड़ी बात जिसका प्राइस अंडर 15,000 हो। तो सैमसंग से लेकर मोटरोला तक बेस्ट फोन अंडर 15,000 जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, अगर आप भी 15,000 के बजट में 5G फोन ढूंढ रहे हैं विद बिग बैटरी एंड गुड प्रोसेसर तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है। एंड सबसे पहले आता है पोको का M3 Pro 5G। MediaTek के Dimensity 700 प्रोसेसर मिलता है इसमें आपको विद 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट, और साथ में ही आपको 64GB एंड 128GB की स्टोरेज मिलती है जिसे आप 1TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन आपकी PUBG, COD एंड फ्री फायर को बहुत आराम से चलाएगा HD सेटिंग पे। 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है जिसकी आउटडोर परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। कैमरा में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 MP प्राइमरी, 2 MP मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर के साथ। एंड फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड बैटरी में आपको 5000 mAh की ली पॉलीमर बैटरी मिलेगी विद 18W फास्ट चार्जर। स्टार्टिंग प्राइस इस स्मार्टफोन का 13,999 है, और 14,000 के बजट में 5G फोन काफी अच्छी चॉइस हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट आता है Realme का Narzo 35G। MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आता है ये फोन विद 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट, और साथ में आपको 128GB का सपोर्ट मिलता है जिसे आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन भी आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को HD सेटिंग में बहुत आराम से चलाएगा। 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है इसमें विद सेम बैक ट्रिपल कैमरा सेटअप, बट फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। 5000 mAh की बिग बैटरी मिलती है विद 18W फास्ट चार्जर, बट 0-100 होने में इस फोन को पूरे 2 घंटे लगते हैं। ट्रूली 5G रेडी है ये स्मार्टफोन, और इस स्मार्टफोन का स्टार्टिंग प्राइस पूरे 15,000 रुपीज है। नेक्स्ट आता है मोटरोला का G40 फ्यूजन। स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ आता है स्मार्ट, जो कि एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है मिड रेंज के हिसाब से, और साथ में आपको 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट मिलता है विद 64GB एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। 6.7 इंच की सेम FHD प्लस डिस्प्ले मिलेगी इसमें जिसकी आउटडोर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, बट कैमरा सेटअप में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP डेप्थ सेंसर एंड 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है इसमें आपको। बैटरी में भी इंप्रूवमेंट मिलेगी, 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है जो कि आपकी ऑल डे वर्किंग एक्सपीरियंस को बहुत प्यार से निकालेगा, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे गेमिंग हो। और साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि आपको इस स्मार्टफोन का एक स्मूथर एक्सपीरियंस देगा, और ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, यानी आपको इसमें कोई भी फालतू की एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग प्राइस इस स्मार्टफोन का 14,500 है। नेक्स्ट आता है Redmi Note 10S। MediaTek Helio G95 प्रोसेसर मिलता है इसमें आपको विद 6.43 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले। डुअल स्पीकर्स मिलते हैं स्मार्टफोन में आपको, और साथ में 64 MP का क्वाड सेटअप भी मिलता है। 5000 mAh की बिग बैटरी दी गई है जो आपके फोन की बैटरी को 0-100 काफी जल्दी चार्ज कर देगा, और 0-50% चार्ज होने में इस स्मार्टफोन को सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। एंड स्टार्टिंग प्राइस इस स्मार्टफोन का पूरे 15,000 है। नेक्स्ट आता है सैमसंग का F22। MediaTek Helio G80 प्रोसेसर मिलेगा इसमें आपको विद 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट, और इसकी इंटरनल स्टोरेज को आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा विद ब्यूटीफुल 13 MP सेल्फी कैमरा, और सैमसंग की कैमरा क्वालिटी तो आप जानते ही है, काफी बड़े बड़े ब्रांड जैसे रियलमी, शाओमी भी सैमसंग के ही सेंसर यूज करते हैं। 6000 mAh की ली पॉलीमर बैटरी मिल रही है इसमें आपको, और क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सैमसंग का ही फोन लूं तो ये फोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अंडर 15,000 में। स्टार्टिंग प्राइस इस स्मार्टफोन का 13,000 है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्मार्टफोन जो आता है वो है Redmi 10T 5G, जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है। 6.5 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, और ये स्मार्टफोन वाइड L1 सपोर्ट भी करता है, यानी आप नेटफ्लिक्स एंड Amazon का HD कंटेंट देख पाएंगे इस फोन में। और कैमरा में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और ये स्मार्टफोन मैक्सिमम HD पे वीडियो निकालता है 30 FPS पे। 4K का सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है, बट इसका जो 48 MP का सेंसर है वो काफी डिसेंट एंड गुड फोटोग्राफी देता है डेलाइट में। बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी विद 18W फास्ट चार्जर, एंड MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर मिलता है जो कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बैटरी को अच्छे से मैनेज करता है, और स्टार्टिंग प्राइस इस स्मार्टफोन का 14,500 है। तो मुझे कमेंट करके अपनी राय इन स्मार्टफोन के बारे में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि नंबर 1 की कैटेगरी का आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल नहीं जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।